Hello everyone, I am Ravi Ranjan and in today's lecture I am going to explain you another concept of rotational mechanics and it is very important, that is the toppling. So let me discuss the toppling. You know, toppling is general term and it is also termed as tipping. It means rotation about the edge. So you may write it as rotation of body about a corner, or you can say edge. That is the meaning of toppling. Clear? Now to explain it, I am taking an example, a body in shape of cuboidal. So its cross-sectional view, it will be a rectangle and it is placed on a horizontal surface. तो हम लोग यहाँ पे इसको इंडिकेट कर दिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे. नाउ फिगर आउट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी. सो बाय डिफॉल्ट ड्यू टू मास ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास बोथ आर द सेम पॉइंट. सो यहाँ से हम लोग एम जी को इंडिकेट कर दिए. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एम जी कोई और अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो यहाँ पे कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन भी नहीं है, स्लिपिंग भी नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं होगा. ठीक है, बट ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडी एंड सर्फेस देर विल बी नॉर्मल रिएक्शन. अब आपको सोचना है कि नॉर्मल रिएक्शन कहां से एक्ट होगा. ठीक है, देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क जीरो हो रहा है एंड बॉडी इज नॉट रोटेटिंग. तो अगर हम नॉर्मल को थोड़ा सा शिफ्ट करके दिखा देंगे तो उस केस में बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक अनबैलेंस टॉर्क आएगा, जिसके कारण बॉडी को रोटेट करना चाहिए था, बट बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल को कहाँ किस पॉइंट से पास करता हो दिखाना होगा, फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास. सो यहाँ से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को दिखा रहे हैं जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास से ही क्या कर रहा है, पास कर रहा है. ठीक है, ओके. नाउ इन अनदर केस, अगर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन द बॉडी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन दैट क्रॉस सेक्शनल व्यू. ठीक है, ओके. तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक फोर्स चलो इंडिकेट कर दिए, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, तो अगेन आप फोर्सेस फिगर आउट कर रहे हो. तो फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास mg विल एक्ट, यहां से mg आ गया. अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, तो और ये रोटेट नहीं कर रहा है, इफ सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस एंड बॉडी इज नॉट रोटेटिंग, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगेन ये इंडिकेट हो रहा है कि नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, जीरो. हाउ इट इज पॉसिबल, अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे, ठीक है, तो एमजी का टॉर्क जीरो है, बट क्या एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क जीरो होगा? नहीं, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जा रहा है इस एक्सटर्नल फोर्स का. तो एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क आ रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई टॉर्क होगा. तो अगर हम टॉर्क देख रहे हैं यहाँ पे, टॉर्क ऑफ सॉरी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इट इज इन द सेंस ऑफ क्लॉकवाइज. तो अगर नेट टॉर्क जीरो होना है तो किसी फोर्स का टॉर्क होगा जो इसको जीरो कर रहा है. तो यहाँ पे एक ही फोर्स बचा रह गया, नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क किस सेंस में आना चाहिए, अबाउट सेंटर ऑफ मास. अगर आप देखोगे, अगर इसको रोटेट नहीं कर रहा है, सो दैट मीन्स नॉर्मल फोर्स का जो टॉर्क है अबाउट सेंटर ऑफ मास, दैट मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज होने के लिए नॉर्मल जो है यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट होगा, और समाव मान लो कि इस यहाँ से एक्स डिस्टेंस राइटवर्ड शिफ्ट हुआ. ठीक है, सही डेट की अगर टॉर्क ऑफ नॉर्मल अबाउट सेंटर ऑफ मास देखोगे तो क्या है, एंटी टॉर्क. तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क है नॉर्मल फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है. ठीक है, बट व्हाट हैपेंड इफ फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, इफ एफ ग्रेजुअली इंक्रीज increased from zero. ठीक है, तो अगर जीरो से इंक्रीज करोगे तो एक समय के बाद आप देखोगे कि इस एज के वॉट ये क्या होता है, आपका रोटेट करना शुरू करेगा इस पॉइंट के वॉट, तो ये कॉन्टैक्ट लिफ्ट होगा. तो उस केस में नॉर्मल जो है शिफ्ट होते होते कहाँ तक जाएगा, आपका एज तक जाएगा. उसके उससे ज्यादा फोर्स अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ से रोटेशन क्या होगा, आपका स्टार्ट होगा. ठीक है, सो रोटेशन टेक प्लेस
ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो कि फ्रिक्शन होता है भी, तो यहाँ से एक मान लो अगर सरफेस रफ है, इफ सरफेस इज रफ, सो दैट इंप्लाई फ्रिक्शन विल एक्ट, ठीक है। और उसका डायरेक्शन क्या हम लोग लेते हैं, लेफ्टवर्ड। सो यहां से एक और फोर्स हम लोग इंडिकेट कर देते हैं, दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। किस केस में होगा, अगर रफ सरफेस है स्टैटिक होगा, अगर स्लाइड कर रहा है तो उस केस में फ्रिक्शन फिर कैसा हो जाएगा आपका, काइनेटिक हो जाएगा। एनीवे तो हम लोग करेंगे, अगर फोर्स को आप इंक्रीज करते जा रहे हो तो आप देखोगे कि एज के व्हाट ये क्या होता है आपका, रोटेट करना शुरू करता है, ठीक है। अब ये टॉपल करेगा या नहीं, उसके लिए क्या होगा कि एज के व्हाट नेट टॉर्क आना चाहिए क्लॉकवाइज सेंस में। तो अगर हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इफ आई कंसिडर हेयर सच दैट कि बॉडी आपका रोटेट कर रहा है बट इस तरह से, ये वर्टिकल लाइन हुआ थ्रू एज, दैट मींस अगर इस पॉइंट को हम ए कंसिडर कर रहे हैं, हेयर इज पॉइंट ए, हेयर इट इज ऑल्सो ए, और बॉडी आपका रोटेट करके इस तरह का सिचुएशन में आ गया है। सेम बॉडी है, अब रफली डायग्राम आपको समझना है। तो यहाँ पे इन दोनों डायग्राम में आप देखोगे तो सेंटर ऑफ मास जो है बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल पे है, क्योंकि सिमेट्रिकल बॉडी है, ठीक है। तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास कहाँ पे से पास कर रहा है आपका, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायगोनल दिखाएंगे तो ये लाइन आ रहा है, तो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट ये पॉइंट हो गया। सो इस केस में सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। यहाँ पर एम जी फोर्स जो है अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, क्लियर। और एक्सटर्नल फोर्स अगेन हम अप्लाई कर रहे हैं होरिजेंटल डायरेक्शन में ही, एच हाइट पे, ग्रेजुअली था एच हाइट से आपको एक्सटर्नल फोर्स को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अगेन अगर आप देखोगे तो अबाउट ए नॉर्मल तो आपका मैं लिमिटिंग केस में यहां से पास कर गए, ठीक है। फ्रिक्शन भी आपको इसी डायरेक्शन में, फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सर्फेस है तो फ्रिक्शन का टॉर्क अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट के बाद क्या होगा, जीरो, नॉर्मल का टॉर्क भी जीरो होगा। अब आप फोर्स को जब इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो अब आप देखिए कि अगर हम टॉर्क ऑफ फोर्स देख रहे हैं ऑफ एफ अबाउट सेंटर ऑफ मास, सो व्हाट इज द डायरेक्शन, इट इज क्लॉकवाइज। और mg का अगर टॉर्क देख रहे हो ऑफ mg अबाउट सेंटर ऑफ मास, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है कि अगर फोर्स को हम रिलीज कर, मतलब रिमूव कर लो यहां से, फोर्स को हम हटा दिए, तो उस केस में क्या होगा, ये बैक टू किस स्टेट में चलाएगा आपका, बोलो, इनिशियल स्टेट में, ठीक है, मतलब इस स्टेट में आपको चलाएगा। सो इफ फोर्स रिमूव्ड, इफ फोर्स रिमूव्ड, दैट इंप्लाई नो टॉपल, ठीक है, मतलब एज के अबाउट ये रोटेट नहीं कर पाएगा, वो बैक टू ओरिजिनल पोजीशन पे चलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेजुअली इंक्रीज करते करते और भी ज्यादा मैग्नीट्यूड का अगर आप फोर्स आप अप्लाई करते हो एट द सेम सर्टेन हाइट, तो सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि सेंटर ऑफ मास आपका इस पॉइंट पे डायरेक्टली ऊपर आ गया। आप सेंटर ऑफ मास का देखोगे तो इस तरह से एक सर्कल पे क्या हो रहा है, अबाउट ए क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं सच दैट इट इज पॉइंट ए, और अब हम ले रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है, चलो इसके इस वर्टिकल लाइन से इधर चला गया, ठीक है। अब आप देखो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो एम जी जो है, मतलब डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो एम जी आप यहाँ से इंडिकेट करोगे, ओके। एक्सटर्नल फोर्स अगेन हम इसी होरिजेंटल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, एफ मैग्नीट्यूड का, और हाइट क्या है, एच है। अगर फ्रिक्शन आपको दिखाना भी है तो फ्रिक्शन हम यहाँ से दिखाएंगे, एफ आर नॉर्मल इसी लाइन से पास कर जाएगा, ठीक है। सो अबाउट एज अगर आप देखोगे तो एम जी का टॉर्क आएगा, टॉर्क ऑफ एम जी अबाउट एज, इट विल बी अलोंग विच सेंस, क्लॉकवाइज, ठीक है। सिमिलरली टॉर्क ऑफ एफ तो ऑलरेडी आपका क्लॉकवाइज सेंस में ही है, अगर पॉइंट ए के वॉट हम लोग देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज सेंस में ही रोटेट कर रहा है। अगर आप फोर्स को रिमूव करोगे तो बाय डिफॉल्ट mg का टॉर्क इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। इफ फोर्स इज रिमूव्ड,
is removed, that imply body will topple. ठीक है, सो टॉपलिंग का मतलब होता है कि रोटेशन अबाउट एज. सो लिमिटिंग केस क्या हुआ कि mg जो हो गया, अगर इस लाइन से या जो वर्टिकल लाइन जा रहा है कॉन्टैक्ट सरफेस से, एज से जो जा रहा पॉइंट, इस लाइन से अगर क्रॉस कर गया तो उस केस में अगर आप इस फोर्स को रिमूव भी करोगे तो बॉडी क्या हो रहा है, टॉपल कर जा रहा है. अनदर एग्जाम्पल, अगर आप कंसिडर कर रहे हो प्लैंक प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, या फिर आप बुक का भी एग्जाम्पल ले सकते हो. डेली लाइफ में आप देखते भी हो कि टेबल के ऊपर मल्टीपल बुक को आप प्लेस्ड करो, क्रॉस सेक्शनल भी हो. तो अगर एक के ऊपर आइडेंटिकल बुक को प्लेस्ड कर रहे हो इस तरह से, ठीक है, तो आप देखोगे कि इस केस में सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इसी वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है. ठीक है, हर एक का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा. सो इंटायर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक पार्टिकुलर इसी लाइन पे लाई करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉपल नहीं होगा, नो टॉपल, क्योंकि नॉर्मल शिफ्ट भी नहीं होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं. अब अगर अरेंजमेंट चेंज करो, ठीक है, हम थोड़ा सा शिफ्ट कर करके बुक को प्लेस्ड कर रहे हैं या प्लैंक को प्लेस्ड कर रहे हैं. हियर इज अ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ बुक. अब देखो सेकेंड प्लैंक या बुक को आप थोड़ा सा शिफ्ट करके इस पे प्लेस्ड कर दो. ठीक है, इस तरह से थर्ड बुक को थोड़ा और शिफ्ट कर दिए, फोर्थ बुक को और शिफ्ट किए, इस तरह से आप बुक को प्लेस्ड कर रहे हैं. ठीक है, सो नाउ इन दैट केस व्हाट हैपेंड, अगर आप इस लाइन को देख रहे हो जो कि यहाँ से एल बाई टू डिस्टेंस पर है, ठीक है, सो जैसे जैसे आप शिफ्ट करोगे तो सेंटर ऑफ मास में आप पढ़ चुके हो कि सेंटर ऑफ मास भी इधर शिफ्ट होगा. मास का डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड में ज्यादा हो गया इस लाइन का, जिसका मतलब है सेंटर ऑफ मास राइट पर शिफ्ट होगा. तो होल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर इस लाइन से इधर चला गया, ठीक है, मान लो कि होल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो अगर mg यहाँ पे एक्ट हो रहा है, सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, होल सिस्टम नाउ इट विल टॉपल अबाउट द एज. इस ए पॉइंट के अबाउट ये क्या होगा, आपका टॉपल कर जाएगा. सो हेयर बॉडी विल टॉपल. ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास जो mg है इस लाइन से अगर इस लाइन तक है, मान लो कि यहां पर है, ठीक है, तो उस केस में mg आ रहा है. तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उस केस में सिस्टम रोटेट नहीं करेगा. बट जैसे ही आप शिफ्ट कर रहे हो, एक और प्लैंक इस पे प्लेस्ड कर दे हम, ठीक है, तो आपको देखोगे कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन से इधर शिफ्ट हुआ तो ये बॉडी क्या होगा, टॉपल हो जाएगा. तो इस केस में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ बुक को प्लेस्ड कर सकते हैं. नंबर ऑफ प्लैंक या बुक कुछ भी लिख लो, प्लैंक इट विल बी इनफाइनाइट, ठीक है, विदाउट टॉपल, विदाउट टॉपल. और इस केस में आपको क्या होगा, एक फाइनाइट नंबर ऑफ बुक होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ प्लैंक फॉर नो टॉपल. ठीक है, सो टॉपलिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, आपका रोटेशन अबाउट द एज. ये तो फ्लैट सरफेस हुआ, हॉरिजॉन्टल सरफेस है. आप इसी चीज को इंक्लाइन प्लेन पे भी करके एक्सप्लेन कर सकते हो. नाउ आई एम टेकिंग अ सिचुएशन इन विच ब्लॉक प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. हियर इज इंक्लाइन प्लेन एंड इट्स इंक्लाइनेशन इज थीटा. ब्लॉक का नेचर चलो हम मान लेते हैं कि सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, ठीक है, एक सिलेंडर ले लो एंड इट्स रेडियस इज आर, ठीक है, इट्स रेडियस इज आर. चलो ये आर रेडियस का सिलेंडर है, इसका हाइट हम कंसिडर कर रहे हैं कैपिटल एच है. कोई एक्सटर्नल फोर्स आप इस पर और अप्लाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ एम जी है. तो अगर देखोगे तो एम जी सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, तो सेंटर ऑफ मास से यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर दिए, That is mg. Clear? Edge point कौन सा है? Rotation किसके about होना चाहेगा? Edge के about. ठीक है? तो अभी आप देख रहे हो कि torque of mg about ये क्या है? Of mg about a. It is in which sense? किस sense में? अगर आप point a के about torque देखोगे तो इसका sense क्या है आपका? Anti-clockwise. ठीक है? और यहाँ पे चूंकि support है इसलिए rotate नहीं करेगा. इस केस में क्या हुआ, नो रोटेशन. और यू कैन से नो टॉपल. ठीक है,
अब या तो आप इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दो, ठीक है, चलो अगर इसी इंक्लाइन प्लेन पे सेम ब्लॉक के लिए सेम इंक्लाइनेशन है और कोई एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन हम अप्लाई कर रहे हैं, ओके, इन दिस सेंस, चलो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई हो गया, अब पॉइंट ए के वॉट देखोगे तो क्या होगा, एमजी, चलो इसी पॉइंट से इंडिकेट कर रहे हैं कि एमजी यहाँ पे आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क क्या है आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ए पॉइंट के वॉट देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स जो है क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, तो इसको कारण क्या होगा, ये रोटेट करने की टेंडेंसी में आएगा, ठीक है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास देखो इस तरह से एक सर्कल पे रोटेट होगा, ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे सिचुएशन क्या आ जाएगा, व्हेन एमजी क्रॉसेस द वर्टिकल लाइन थ्रू ए, यहाँ पे देखो वर्टिकल लाइन अगर हम दिखा रहे हैं तो ये लाइन क्या हो गया, वर्टिकल लाइन थ्रू ए है, यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन थ्रू ए दैट लाइन, ठीक है, और इस पॉइंट पे भी इस पॉइंट को हम ए कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और बॉडी अगेन हम इंडिकेट कर रहे हैं, सेम बॉडी है, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली अबव द एज पॉइंट अगर हो गया, इस केस में अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, इसको आप रिमूव भी कर लोगे तो क्या होगा, ये टॉपल कर जाएगा, समझ रहे, ये लिमिटिंग सिचुएशन हुआ, ठीक है, सो आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स F, body will topple about A, ठीक है, body क्या होगा, topple कर जाएगा, क्योंकि इसके just बाद center of mass यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो center of mass थोड़ा सा भी इस line से rightward shift हुआ तो इस mg के torque के कारण क्या हो जाएगा, ये rotate कर जाएगा, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि body क्या हो गया, topple कर गया, ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉपलिंग, क्लियर, आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं, आप सिर्फ इंक्लाइनेशन ही चेंज कर दो, उस केस में भी आप फाइंड आउट ऑब्जर्व करोगे कि सेंटर ऑफ मास उस लाइन से क्या हो रहा है, क्रॉस कर गया, इफ थीटा इंक्रीजेज, मान लो एक थीटा को हम बढ़ा दिए, तो सिचुएशन क्या है, नॉट इट थीटा डैश, ठीक है, फॉर द सेम बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी, सेंटर ऑफ मास आपको इस वर्टिकल लाइन से राइट साइड में शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है दैट पॉइंट इज ए, सेंटर ऑफ मास अगर मान लो कि एक पार्टिकुलर थीटा पर इस वर्टिकल लाइन से इधर शिफ्ट हो गया, इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है, तो एम जी यहाँ से एक्ट होगा, तो एम जी क्या करेगा, इसको रोटेट कर देगा, ठीक है, सो इन द लिमिटिंग सिचुएशन अगर हम लोग देखेंगे और अगर पूछा जा रहा है कि किस थीटा डैश पे, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, सिर्फ इंक्लाइनेशन चेंज की है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस इंक्लाइनेशन पे बॉडी टॉपल कर रहा है, तो आप इजी वे में फिगर आउट कर सकते हो दैट एंगल इज थीटा डैश, हेयर इज अ बॉडी, ठीक है, और यहाँ से हम लोग एमजे दिखाएंगे जो कि एज से क्या करवा देंगे, पास करता हुआ दिखाना होगा अगर टॉपल करना है तो, ठीक है, लिमिटिंग सिचुएशन में, अब देखो हाइट ऑफ सिलेंडर अगर आप एच मान रहे हो तो डेफिनेटली अगर यूनिफॉर्म सिलेंडर है तो ये हाइट कितना हो गया आपका h बाई टू, ठीक है, सो mg का टॉर्क अगर पॉइंट ए के वॉट देखोगे तो क्या हो गया, जीरो, इसके बाद ये क्या होगा आपका टॉपल कर जाएगा, ठीक है, सो इस एंगल को आप 90 माइनस थीटा बोलो तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी एंगल क्या हो गया आपका थीटा डैश ही हो जाएगा, ठीक है, सो डैट डिस्टेंस इज r, ये आपका h बाई टू है, सो आप यहाँ से कह सकते हो कि tan थीटा डैश इट इज इक्वल टू r बाई h by 2, so it is 2r by h, clear? So यहाँ से जो theta dash निकल रहा है, that is minimum angle for toppling, ठीक है? So it is tan inverse of 2r by h. Here cylinder is uniform. आप other shape of body को भी देख सकते हो. अगर सिलेंडर के जगह पे मान लो कि हम कोन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, अ कोन प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन,
inclination is theta. Let us say a cone, ठीक है, तो अगर इसका भी सेंटर ऑफ मास इस एज पॉइंट से क्रॉस कर गया एक पार्टिकुलर थीटा पे, मान लो ये एंगल क्या है थीटा डैश, तो यहां से भी हम लोग कहेंगे इट इज अ सॉलिड कोन, ठीक है। और यू नो सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है यहां से कितने हाइट पे होता है, इट इज एट अ हाइट ऑफ h/4, ठीक है। तो और ये रेडियस क्या है r, तो ये थीटा डैश है, तो 90 थीटा डैश, इट इज 90 थीटा, ये एंगल भी क्या होगा थीटा डैश। तो यहां से हम लोग tan थीटा डैश क्या ऑब्टेन करेंगे, यू कैन सी इट इज r / h/4, सो 4r / h हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इट इज नो स्लाइडिंग, ठीक है, बट ये क्या हो गया आपका टॉपल होगा इफ थीटा डैश ग्रेटर देन tan इनवर्स 4r / h, तो हम लोग कर सकते हैं टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग, टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग, ठीक है। इस केस में भी क्या है, इट इज द कंडीशन फॉर टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग, ओके ओके। नाउ आई विल एक्सप्लेन द शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल, ठीक है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल। सो लुक हियर, shifting of normal reaction, इसको हम लोग डिफरेंट केसेज में समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसको हम जनरलाइज करेंगे, ठीक है। डेट इज केस फर्स्ट, इफ सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, डेट मीन्स ऑन फ्रिक्शनलेस horizontal surface, ठीक है। Now again I am considering here a cuboidal shape body, so its cross sectional view is a rectangle on a horizontal surface. Here is external force acting on the body F at a height h, and cuboid or इस height का value दिया हुआ है capital H, and width that is w. Now definitely symmetrical body है, तो center of mass इसके center से act होगा, so यहाँ से हम लोग इस पर mg को indicate करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है कि friction नहीं है, here no friction, ठीक है, so frictionless surface है, इसका मतलब हो गया body will slide, will slide. Now, to avoid the toppling, for no toppling, no topple about edge. Edge here is the point A, ठीक है। So यहां से हम लोग कर सकते हैं कि body आपका क्या है, rotational equilibrium में, body in rotational equilibrium, but not in translational. मतलब यहाँ पे बॉडी क्या हो रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि बॉडी में क्या है आपका कुछ एक्सेलरेशन भी है, ठीक है, बट बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है। तो अगर तो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी के बारे में, तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। सो इफ यू फिगर आउट हेयर एम जी का टॉर्क यहाँ पे जीरो होगा, और एफ का टॉर्क कितना आ जाएगा, अगर सेंटर ऑफ मास से देखोगे तो एफ का टॉर्क कितना आ जाएगा, सो डैट डिस्टेंस इट विल बी, अगर हम इसको ए मान रहे हैं, सो या चलो बी मान लो, ठीक है, सो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा एच माइनस एच बाई टू, क्लियर, सो डैट इज द टॉर्क वैल्यू ऑफ बी। सो हम लोग कह सकते हैं कि एफ का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या आ जाएगा, टॉर्क ऑफ एफ अबाउट सेंटर ऑफ मास, इट विल बी इक्वल टू एफ इंटू स्मॉल एच माइनस
कैपिटल एच बाई टू डेट वैल्यू। अब डेफिनेटली अगर कोई और फोर्स नहीं होगा तो ये बॉडी रोटेट होगा, इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगा, ठीक है, जो कि एंटी टॉर्क देगा। इस टॉर्क का अगर डायरेक्शन देखोगे एक्सटर्नल फोर्स का तो क्लॉकवाइज है, तो नॉर्मल फोर्स का जो टॉर्क होना चाहिए दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज द शिफ्ट इन नॉर्मल। एक्स क्या है आपका, शिफ्ट इन नॉर्मल, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन राइटवर्ड क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देना है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे तो क्लॉकवाइज टॉर्क ही दे देगा, ठीक है। तो अगर इस एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो हम लोग सिंपली लिखेंगे एफ इंटू एच माइनस एच बाई टू, इट इज बैलेंस बाई द टॉर्क ऑफ नॉर्मल, सो एन इंटू एक्स। नाउ लुक हियर, अगर आप इसका ट्रांसलेशनल इक्वेशन कंसिडर करोगे तो एन का वैल्यू किसके इक्वल हो रहा है आपको, एम जी का, ठीक है। सो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एफ एच माइनस एच बाई टू होल डिवाइडेड बाई हम लोग क्या लिखेंगे, एम जी, क्लियर। सो इट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कितना यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ये आप यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। नाउ अनदर सिचुएशन, इफ रफ सरफेस, अगर सरफेस रफ होगा तो उस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन को भी आपको कंसिडर करना होगा, ठीक है। नाउ केस टू, ऑन रफ सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, अगेन हम कंसिडर कर रहे हैं इफ नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग, ठीक है। सेम बॉडी को हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट मीन्स एट अ हाइट h एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, और बॉडी का टोटल हाइट कितना है, कैपिटल h, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। अब इसका फ्रिक्शन कोफिशियंट हम लोग क्या दे रहे हैं, म्यू, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब अदर फोर्सेज कौन कौन से हो रहा है, सो डेफिनेटली एम जी विल एक्ट। अब चूंकि रफ सरफेस है और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट हो रहा है, इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये टेंडेंसी होगा, अगर स्लाइडिंग नहीं हो रहा है तो भी यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ मोशन है, सो आप कह सकते हो डेफिनेटली, सो देर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स, सो यहाँ से हम लोग फ्रिक्शन दिखाएंगे। और सिंस देर इज नो स्लाइडिंग, ये इंडिकेट कर रहा है कि नेचर ऑफ फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है तो आप म्यू इनटू एन नहीं लिख सकते हो, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि फॉर नो स्लाइडिंग हम यहाँ से कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ डेफिनेटली नॉर्मल शिफ्ट होगा, तो अगर हम नॉर्मल यहाँ से इंडिकेट कर रहे हैं, सो लेट अस से दैट डिस्टेंस है एक्स, और इस एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अगर वर्टिकल ट्रांसलेशनल इक्वेशन आप ले रहे हो तो एन इक्वल टू क्या है आपको, एम जी बी, इट इज सेकेंड वन। अब देखो स्लाइड नहीं कर रहा और रोटेट नहीं कर रहा है, हेयर अगर हम बॉडी के बारे में देखेंगे तो ये बोथ इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इन ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोथ, ये दोनों तरह की इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो अगर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं अगर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम में है तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट पर टॉर्क जीरो कह सकते हो, नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास तो जीरो होगा ही, एज वेल एज एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट उसके अबाउट भी आप नेट टॉर्क जीरो कर सकते हो, दैट इज नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ऑन द कॉन्टैक्ट सर्फेस That must be zero. ये value भी क्या होगा आपका, zero होगा. So इसको हम लोग two way में analyze करेंगे. अगर हम center of mass के बाद torque zero करके देख रहे हैं, result आपका same आएगा, ठीक है? तो अगर हम consider कर रहे हैं net torque about center of mass zero. So here is the center of mass. अगर center of mass के बाद देखोगे, तो external force का torque आ रहा है, normal का torque आ रहा है और friction का torque आ रहा है. mg का torque क्या हो रहा है आपका, zero हो रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले external force का torque क्या हो गया? F into and that distance, this distance will be a small h by minus h by 2. और direction क्या होगा? Clockwise, so it is plus.
नाउ फ्रिक्शन का टॉर्क देखोगे तो ये डिस्टेंस एच बाई टू है, सो एफ आर एस इंटू क्या हम लोग लिखेंगे, एच बाई टू। और इसके भी टॉर्क का डायरेक्शन क्या है आपका, क्लॉकवाइज सेंस ही है, सो इट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। नाउ टॉर्क ऑफ नॉर्मल, ध्यान देना है नॉर्मल का वैल्यू एम जी है, ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो वर्टिकल इक्विलिब्रियम से। सो एन इंटू हम लोग क्या लिखेंगे एक्स, एंड इट्स टॉर्क इज डायरेक्टेड एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हमको जीरो करना है, ठीक है। सो यहां से आप देखो क्या हो गया, इफ यू लुक हियर फ्रिक्शन का वैल्यू एफ के इक्वल है, ठीक है। सो यहां से एफ इंटू एच बाई टू कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हुआ क्या रह गया, एफ इंटू एच विच इज इक्वल टू एम जी इंटू एक्स। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इट विल बी एफ एच बाई एम जी, सो दैट इज गोइंग टू बी आंसर फॉर दिस पार्ट, नॉर्मल यहाँ पे कितना शिफ्ट हुआ। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, चूंकि ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो हम एक कोई पॉइंट कंसिडर कर लें ऑन द सर्फेस, ठीक है। इफ आई अप्लाई दैट पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, तो बेसिकली हम इसी पॉइंट को ले रहे हैं जहां से नॉर्मल इस कॉन्टैक्ट सर्फेस को हिट कर, इस पॉइंट को हम ए कंसिडर कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के व्हाट अगर टॉर्क देखोगे, पॉइंट ए हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से फ्रिक्शन भी पास हो जाएगा, तो फ्रिक्शन का टॉर्क और नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो गया। अब आपको एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क क्या आ रहा है, जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है, सो दैट टॉर्क इज एफ इंटू एच। इसके अलावा जो टॉर्क आ रहा है डेट इज ऑफ एम जी, एम जी का टॉर्क देखोगे तो एंटी क्लॉक वाइज, सो एम जी इंटू एक्स, और ये एंटी क्लॉक वाइज, नेट टॉर्क इज जीरो। तो यहाँ से भी आपको एक्स का वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुआ, इट इज एफ एच बाई एम जी। सो हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि नॉर्मल क्या शिफ्ट होगा। सो इस केस में हम कंसिडर किए थे कि बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, अब अगर स्लाइड कर रहा है तो आपको सिर्फ किस पॉइंट के वॉट टॉर्क जीरो करना होगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो, क्योंकि फिर वो अगर टॉपल नहीं कर रहा है तो, ठीक है। नाउ अगर हम कोई नाउ इन जनरल स्लाइडिंग एंड टॉपलिंग यू मे एनालाइज इन दिस वे, सो यू मे राइट इट एज टॉपलिंग एंड स्लाइडिंग, क्लियर। नाउ अगेन आई एम कंसीडरिंग अ बॉडी, इस तरह का सिचुएशन ले रहे, प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इट इज रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। सो फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर एम जी, इफ देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स एफ विच एक्ट्स एट अ हाइट एच, और इस बॉडी का टोटल हाइट कैपिटल एच है और ये विड्थ इसका दिया हुआ डब्लू, दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास, क्लियर। नॉर्मल शिफ्ट विल टेक प्लेस, सो चलो हम नॉर्मल यहाँ से दिखा दें कि नॉर्मल इस डायरेक्शन में आ रहा, क्योंकि रफ सरफेस है तो यहाँ से फ्रिक्शन भी होगा, तो फ्रिक्शन भी हम यहाँ इंडिकेट कर दे रहे हैं, इट इज फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सो हियर नॉर्मल शिफ्ट टेक प्लेस, ठीक है। और अगर हम कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट केस, केस फर्स्ट फॉर नो स्लाइडिंग, फॉर नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग का मतलब क्या होगा कि बॉडी यहां पे मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मूव नहीं कर रहा है तो अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो फोर्सेज कौन कौन सा एक्ट हो रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड है एफ, और दूसरा फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड है। तो अगर स्लाइड नहीं करना है तो यहां से आप कह सकते हो कि जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट मस्ट बी लेस एंड इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, एंड यू नो लिमिटिंग फ्रिक्शन हेयर इट इज म्यू इंटू एन, फॉर द गिवन सेटअप एन इक्वल टू क्या है आपका, हेयर एन इज एम जी, ठीक है। लेकिन हम लोग एन वैल्यू ही यूज करेंगे, दैट इज फर्स्ट केस, क्लियर। और नॉर्मल शिफ्ट को चलो हम यहाँ से ये डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, और अगर टॉपल करेगा तो एज के व्हाट, एज का पॉइंट हम क्या कहें ए। नाउ केस टू, फॉर द गिवन सिचुएशन अगर हम कंसिडर कर रहे हैं नो टॉपल, सिर्फ हम लोग इंडिविजुअल देख रहे हैं कि अगर टॉपल नहीं कर रहे, तो अगर टॉपल नहीं करना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट के व्हाट नेट टॉर्क
जीरो करेंगे, नेट टॉर्क अबाउट ए शुड बी जीरो, तो फ्रिक्शन तो उसी पॉइंट से पास हो जाएगा। तो सबसे पहले एम जी का टॉर्क देखो, तो एम जी का टॉर्क क्या हो गया, एम जी इंटू डेट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इट विल बी डब्ल्यू बाई टू, सो एम जी इंटू डब्ल्यू बाई टू, और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। नाउ नॉर्मल का टॉर्क क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस एक्स है तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बाई टू माइनस एक्स, सो नॉर्मल इंटू डब्ल्यू बाई टू माइनस एक्स, डायरेक्शन क्या होगा, आर वेक्टर इधर, सो नॉर्मल भी क्या चाहेगा इसको, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना, ठीक है। लाइक एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क अगर पॉइंट ए के वाट देखोगे तो एफ इंटू क्या हो गया एच, और इसका भी डायरेक्शन क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, सो नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। नाउ एज फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीजेज, एज फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो ग्रेजुअली इंक्रीजेज, ओके, सो इन दिस केस यू विल हैव नॉर्मल शिफ्टेड टुवर्ड्स एच, एन विल शिफ्टेड टुवर्ड्स एच, ठीक है। नॉर्मल जो फोर्स है वो एच की तरफ शिफ्ट होगा, तो नॉर्मल की तरफ एच शिफ्ट होगा तो एक्स टेंडिंग टू क्या हो गया आपका, डब्ल्यू बाई टू, सो अगर एक्स का वैल्यू डब्ल्यू बाई टू होगा तो नॉर्मल का टॉर्क क्या हो जाएगा ए पॉइंट के वॉट, सो इन दैट केस टॉर्क ऑफ नॉर्मल अबाउट ए टेंडिंग टू जीरो। सो इन द लिमिटिंग सिचुएशन अगर हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर नो टॉपलिंग, तो नो टॉपलिंग का मतलब क्या हुआ कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क क्या है आपको, क्लॉकवाइज सेंस में है, ठीक है, और mg का टॉर्क क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। सो कंडीशन फॉर नो टॉपल आप कह सकते हो कि टॉर्क ऑफ mg व्हिच इज mg इनटू w बाय 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ fh, ठीक है, सो टॉर्क ऑफ f, तो यहां से हम लोग कंसीडर करेंगे, अगर वैल्यू आप पुट करोगे सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि f शुड बी लेस देन, कंडीशन क्या आ गया, mg W by 2H, ठीक है। सो फॉर द गिवन सेटअप हम लोग इस तरह से एक फॉर्मूला वे में इसको ऑपरेट कर लिए, चलो इसको हम कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग लिख रहे हैं, F should be less than mu n and और इक्वल टू भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी भी होल्ड करेगा, ठीक है। और हम लोग अगर टॉपल नहीं करवाना है तो क्या यहाँ से आ जा रहा है, F should be less than mg into W by 2H, that is equation 2। अब कंडीशन हम लोग यूज करेंगे स्लाइडिंग विदाउट टॉपलिंग और टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल केस थ्री, स्लाइडिंग विदाउट या बिफोर लिख लो, बिफोर टॉपलिंग, मतलब टॉपल करने के पहले क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन नहीं है। तो अगर टॉपल नहीं करना है फॉर नो टॉपल, तो अगर टॉपल नहीं करना है तो आप यहीं से देखो f का वैल्यू क्या होता है, इट इज लेस एन इक्वल टू दैट वैल्यू, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे f शुड बी लेस एन इक्वल टू एम जी डब्ल्यू बाई टू एच, एंड स्लाइडिंग होना है तो फॉर स्लाइडिंग, ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ f क्या हो जाएगा, तभी आप देखो कि f स्लाइडिंग के लिए आप कंडीशन ऑब्टेन किए हो, स्लाइडिंग के लिए कंडीशन क्या है, इट इज एफ शुड बी लेस, तो मिनिमम वैल्यू अगर हम देखेंगे तो म्यू इनटू एन लिखेंगे फॉर स्लाइडिंग, ठीक है। सो फॉर स्लाइडिंग मोशन यू कैन से हियर एफ मिनिमम दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, सो नाउ कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशन, सो यहां से आप कर सकते हो फॉर स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, you will have mu into n should be less than mg into w by 2h, and you know n is mg, ठीक है, so यहाँ से हम लोग को condition obtained हुआ mu should be less than w by 2h, ठीक है। so for the given setup अगर हम लोग से पूछा जा रहा है कि topple करने के पहले ही slide कर जा रहा है, so इस case में mu का value w by 2h से लेस होना चाहिए। नाउ हम लोग कंसीडर करेंगे केस फोर,
that is topple before sliding. Clear? So here is case 4, that is toppling. Or generally इसी केस के बारे में पूछा जाता है, toppling before sliding. ठीक है, तो अब आप देखो कि अगर स्लाइडिंग नहीं होना है, सो फॉर नो स्लाइडिंग, तो आप कंडीशन पढ़ चुके हो कि एफ शुड बी लेस एंड इक्वल टू म्यू इन टू एन. ठीक है, और नो टॉपलिंग के लिए कंडीशन क्या होगा, टॉपलिंग हो रहा है, सॉरी टॉपल होने के लिए क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं, ये अभी कंडीशन आप पढ़े हो फॉर टॉपल, दैट इज द कंडीशन. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इट विल बी एम जी इंटू डब्ल्यू बाई एच. एफ मिनिमम इट विल बी इक्वल टू एम जी इंटू डब्ल्यू बाई टू एच. ठीक है, नाउ इफ यू कंबाइन दीज टू टर्म, ठीक है, सो इट विल गिव कंडीशन फॉर टॉपलिंग, कंडीशन फॉर टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग, बिफोर स्लाइडिंग. ठीक है, कंडीशन क्या आ जाएगा, एफ का वैल्यू पुट कर दो, एम जी इंटू डब्ल्यू बाई टू एच शुड बी लेस एंड इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू हम एम जी पुट कर दिए. ठीक है, so from here you will have mu should be greater than equal to, here mu should be greater than equal to w by 2h. so these are the condition. so generally इसी तरह के cases आपसे पूछे जाते हैं. now I will consider a situation on inclined plane, like case 5th. Here is an inclined plane of inclination theta and a rectangular cross section block placed on it. Clear? And coefficient of friction given here is mu. Coefficient of friction. Okay. Now फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक क्या क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे एक फोर्स आ रहा है एम जी विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है, नॉर्मल भी पास होगा, चलो यहां से हम नॉर्मल दिखा दिए कि नॉर्मल शिफ्ट तो होगा ही. ठीक है, एम जी को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो यहां से आपको देखोगे एम जी का कंपोनेंट आ रहा है डाउन द इनक्लाइन जी एम जी साइन थीटा एंड इट इज mg cos theta. ठीक है, एंड इफ आई कंसिडर डेट हाइट इज कैपिटल h और ये जो विड्थ है डेट इज w. नाउ डेफिनेटली हियर विल बी फ्रिक्शन, टेंडेंसी ऑफ मोशन डाउन द इनक्लाइन है, अगर स्लिपिंग होगा भी तो डाउन द इनक्लाइन है, कोई और एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो यहां से हम लोग फ्रिक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं, इट विल एक्ट अप द इनक्लाइन. ठीक है, नाउ इफ वी कंसिडर कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग, क्लियर, अगर हम लोग स्लाइडिंग को कंसिडर नहीं कर रहे, मतलब स्लाइडिंग नहीं होना है. ठीक है, तो अगर स्लाइडिंग नहीं होना है, इसका मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शन है उसका नेचर कैसा होगा, नाउ फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक, आई नो स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस एन इक्वल टू म्यू इन टू एन एंड डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फोर्स. तो डाउन द इनक्लाइन एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा, ऑफ द इनक्लाइन फ्रिक्शन है, सो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा that should be greater than and equal to, हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी फ्रिक्शन का जो वैल्यू है mg sin theta के इक्वल हो जाएगा, सॉरी क्योंकि ये स्लाइड नहीं कर रहा है ना, तो अप द इनक्लाइन फोर्स और डाउन द इनक्लाइन फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा. सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू हो गया mg sin theta. एंड यू नो वी हैव द स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज लेस एन इक्वल टू म्यू इन टू एन एंड द वैल्यू ऑफ एन इज, एन का वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी एम जी कॉस थीटा, सिंस देयर इज नो मोशन परपेंडिकुलर टू इनक्लाइन, तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू इन टू सॉरी
mg sin theta should be less than equal to mu into mg cos theta. ठीक है, सो यहां से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ म्यू है दैट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू टेन थीटा. तो हम लोग कंडीशन क्या ऑब्टेन किए, टेन थीटा का वैल्यू फॉर नो स्लाइडिंग, म्यू शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू टेन थीटा. तो जस्ट लाइक एंगल ऑफ रिपोज जो आप पढ़ चुके हो, एंगल ऑफ रिपोज कंडीशन जो आप पढ़ चुके हो फ्रिक्शन में, उसी से मैच कर रहा है. ठीक है, अब अगर इसी का केस हम कंसिडर करेंगे नो टॉपलिंग. ठीक है, कंडीशन फोर नो टॉपलिंग, तो टॉपल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये स्लाइड भी नहीं कर रहा है. अगर टॉपल नहीं करना है तो हम लोग नेट टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट देखेंगे, नेट टॉर्क अबाउट एज शुड बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, सो नेट टॉर्क अबाउट एज शुड बी इक्वल टू जीरो. एंड इन लिमिटिंग केस फॉर नो टॉपलिंग, लिमिटिंग सिचुएशन, नॉर्मल रिएक्शन इट विल टेंड पासेस थ्रू ए, पासेस थ्रू ए. तो इस केस में आप देखोगे कि पॉइंट ए के वॉट देखोगे तो एक mg का टॉर्क होगा और दूसरा क्या है आपका mg का ही जो कंपोनेंट आ रहा है दैट इज mg cos theta और mg sin theta, क्योंकि फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क क्या हो गया, जीरो. तो अगर हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, सो यहाँ से लिख सकते हो mg sin theta into that distance is h by 2. ठीक है, इट इज बैलेंस बाय द mg cos theta into w by 2. सो यहाँ से कंडीशन क्या आ रहा है और किसका टॉर्क ग्रेटर होना चाहिए, डेफिनेटली mg cos theta का टॉर्क ग्रेटर होना चाहिए. सो हम लोग यहाँ पे इक्वलिटी साइन, इनइक्वलिटी साइन यूज करेंगे, दैट इज दैट टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन द टॉर्क ऑफ mg अबाउट द पॉइंट ए. क्लियर, सो अब इसे आप सॉल्व करो तो कंडीशन यहाँ से ऑब्टेंड हो जाएगा. सो नाउ कंडीशन इट विल बी, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं टेन थीटा और w by h शुड बी ग्रेटर देन टेन थीटा. इट इज द कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग इन दिस केस. ठीक है, या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, अनदर मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, मेथड टू, अगर हम लोग ज्योमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड, लाइक अगर इस एंगल को हम थीटा मान रहे हैं और यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप ब्लॉक है और इस पॉइंट से नॉर्मल रिएक्शन पास कर गया है. ठीक है, यहाँ से ऐसे नॉर्मल जा रहा है, फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन से पास कर रहा है. अगर टॉपल नहीं करना है तो इसका मतलब क्या है कि mg को भी लिमिटिंग सिचुएशन में इसी लाइन से हम लोग कंसीडर करेंगे, लिमिटिंग केस अगर हम लोग देखेंगे. ठीक है, या फिर mg जो है इस लाइन से इधर लाई करना चाहिए, अगर इधर रहेगा तो वो क्या होगा, टॉपल कर जाएगा. अगर राइट साइड में है तो ठीक है, एंटी टॉर्क आएगा और क्या होगा आपका, टॉपल नहीं करेगा. लेकिन अगर लेफ्ट साइड में इस लाइन से तो क्या होगा, टॉपल कर जाएगा. तो लिमिटिंग सिचुएशन में हम लोग इसको करेंगे, थीटा है तो डैट एंगल इज ऑल्सो थीटा. तो अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्री यूज करेंगे टेन थीटा, तो tan theta it is the equal to w by 2 और ये height क्या है, h by 2. So w by 2 divided by h by 2, so it is w by h. ठीक है, it is the theta max for no toppling. ठीक है, तो अगर हम find out करना चाहेंगे in general, अगर वो लिखेंगे तो tan theta should be less than w by h. ठीक है, so that is the condition for no toppling. So anyway, तो हम लोग यहाँ पे find out कर लिए condition of no toppling और ये क्या है, condition of no slipping. अब हम लोग देखेंगे condition for sliding before toppling. Now condition for
sliding motion before toppling. तो अगेन सिमिलर अप्रोच हम बोलेंगे इस सिचुएशन के लिए. ऑलरेडी देखो कहना है कि टॉपल नहीं करना है, नो टॉपल. तो अभी जस्ट आप कंडीशन फाइंड आउट किए कि टॉपल नहीं होने के लिए क्या होता है, W बाई H ठीक है शुड बी ग्रेटर देन tan थीटा. एंड स्लाइडिंग हो रहा है, स्लाइडिंग टेक प्लेस और यू कैन से अकर्स. तो अगर स्लाइडिंग हो रहा है तो अगर हम लोग म्यू का मिनिमम है, देखो स्लाइडिंग होने के लिए क्या है, म्यू शुड बी नो स्लाइडिंग के लिए ये है. अगर स्लाइडिंग हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, tan थीटा. सो म्यू मिनिमम शुड बी इक्वल टू tan थीटा फॉर द स्लाइडिंग मोशन. ठीक है, सो अगर हम इसको कंबाइन करेंगे, इफ वी कंबाइन दीज टू इक्वेशन, सो स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग ठीक है, tan थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, सो W बाई एच शुड बी ग्रेटर देन द म्यू. ठीक है, सो W बाई एच शुड बी ग्रेटर देन म्यू. सो दैट इज द कंडीशन फॉर स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग. इस तरह से हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग, नाउ कंडीशन फॉर टॉपलिंग before sliding. ठीक है, अब यहां पर देखो कि स्लाइडिंग नहीं होना है. ठीक है, तो नो स्लाइडिंग का कंडीशन क्या होगा, तो हम लोग यूज करेंगे इट इज म्यू ग्रेटर देन tan थीटा. ओके, एंड टॉपलिंग हो रहा है सो हम लोग कहेंगे टॉपल अकर. ठीक है, तो टॉपलिंग हो रहा है तो उसके लिए आपको पता है कि W बाई एच शुड बी ग्रेटर देन tan थीटा. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि W बाई एच शुड बी इन लिमिटिंग सिचुएशन इट विल बी इक्वल टू tan थीटा. एंड इफ यू कंबाइन दीज टू टर्म सो यहां से हमको कंडीशन मिल जाएगा, सो टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग now put the value of tan theta here, so mu should be greater than W by H. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंडीशन यूज कर सकते हैं कि ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ब्लॉक पे इंक्लाइन पे है, तो कंडीशन फॉर प्योर डॉलिंग, कंडीशन फॉर टॉपलिंग, कंडीशन फॉर स्लाइडिंग हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. इज इट क्लियर? अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके